भारत सरकार द्वारा सातवें रोजगार मेले के अंतर्गत 45 शहरों में लगभग 70,000 अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल तरीके से रोजगार प्रदान किए गए। इसी क्रम में आज गाजियाबाद में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयकर विभाग द्वारा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार 10 लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज ही रोजगार मेले का विभिन्न शहरों में आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र देने का तात्पर्य है कि समाज के सभी लोगों को पता चले कि सरकार द्वारा कितने नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। कोविड काल के दौरान किए गए प्रबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से योगी जी ने कोविड काल में उत्तर प्रदेश को संभाला है और हम अच्छे प्रबंधन की वजह से कोविड काल से बाहर निकल कर आए हैं, ये काबिले तारीफ है। नौकरियां प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी आज अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर काफी खुश नजर आ रहे थे और वो मोदी सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। इस्तेमाल हो सकती है, एसयूवी के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, 600 किलोमीटर जिसका रेंज है, 210 की रफ्तार से दौड़ सकती है और बैटरी से चलती है, बिजली से चलती है। बिजली की गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी से चलती है, 100-200 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद चार्जिंग करनी पड़ेगी, 600 किलोमीटर युवा ने बताया और उसके पास लाइन लगी हुई है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की कि जी अपना ये टेक्नोलॉजी हमको दे। ये आज का वातावरण है और ऐसे वातावरण के अंदर आपको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एक छोटी सी चीज आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा और खासकर हमारे युवा वर्ग, 2015 के अंदर भारत सरकार ने स्टार्टअप का कार्यक्रम शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की और उस समय 428 रजिस्टर्ड स्टार्टअप युवाओं के साथ, मात्र 428। आज क्या स्थिति है? आज आपका देश पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है टोटल जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने, यानी कि करोड़ से ज्यादा जिनकी बिजनेस है, आप नंबर 3 हैं पूरी दुनिया में। तो उनको बताना पड़ता है कि मुद्रा लोन जो सरकार ने एमएसएमई और छोटे बिजनेस के लिए बताया था, 57,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन बटा है, लोगों को दिया गया है और इसके लाभार्थी हैं तकरीबन 76 लाख लोग। अब अपना बाद में मोबाइल निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा, 76 लाख लोगों को 57,000 करोड़ रुपया बांटेंगे, कितने बिजनेसेस के अंदर ये पैसा गया होगा? अगर वो बिजनेसेस बड़े हुए होंगे तो कितने लोग उसके अंदर काम पाए होंगे? ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो उनको बताना पड़ता है कि मुद्रा लोन जो सरकार ने एमएसएमई और छोटे बिजनेस के लिए बताया था, 57,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन बटा है, लोगों को दिया गया है और इसके लाभार्थी हैं तकरीबन 76 लाख लोग। अब अपना बाद में मोबाइल निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा, 76 लाख लोगों को 57,000 करोड़ रुपया बांटेंगे, कितने बिजनेसेस के अंदर ये पैसा गया होगा? अगर वो बिजनेसेस बड़े हुए होंगे तो कितने लोग उसके अंदर काम पाए होंगे? ये चीजें बढ़ती जा रही है।